नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग डायरेक्ट टू फील्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं सीएपी के वैराइटी का नाम है रेड जून। ये वैराइटी जून के महीने में तैयार हो जाती है। ये सेब की एक ऐसी वैराइटी है जो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ये सेब टेस्ट में थोड़ा खट्टा होता है, ज़्यादा मिठास नहीं होती, जिस तरह से आपके रॉयल डिलीशियस वैराइटी में होती है उस तरह की इसमें मिठास नहीं होती है। और उसके बावजूद भी ये सेब काफ़ी अच्छा होता है। इसकी एक खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये देखिए, ये सेब का साइज़ का थोड़ा छोटा रहता है, पर फिर भी काफ़ी कुछ साइज़ का बड़ा भी है। ये देखिए, आता हूँ मैं आपको उसका व्यू। रेड जून एप्पल, ये देखिए सर, अगर आप उसको आजकल हार्वेस्ट करेंगे और इसको मार्केट में ले जाएंगे तो आपको इसका एक बॉक्सेस का इजीली 1400-1500 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ये महंगा नहीं बिकता है, क्योंकि ये इसकी शेल्फ लाइफ तो कम होती है और ये बहुत थोड़ा खट्टा भी होता है। तो ये दिखाता हूँ सर, ये देखिए, मैं आज इसकी प्लकिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको सेब का। ये देखिए, सेब पूरी तरह से तैयार हो चुका हुआ। ये देखिए, वाह क्या खुशबू है। तो ये देखिए दोस्तों, रेड जून एप्पल बिफोर हार्वेस्टिंग। इस पर इसमें बहुत कम फसल लगी है, ये 3-4 साल की कलम है। 3-4 साल पहले हमने इसको ग्राफ्ट किया था इस कलम को। तो ये देखिए इसका रिजल्ट। ये आप, मैं तो जो भी मेरे बागवान दोस्त भाई जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एप्पल फार्मिंग करते हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बगीचे में इस तरह के 1-2 पेड़ लगाइए। जून के महीने में भी आपको सेब की मिठास बढ़िया प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई लार्ज स्केल में लगा सके तो ये आपको एक आर्थिकी भी आपकी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए सेब। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये रेड जून का ब्लॉग? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो अपने चैनल पर डालता रहूँगा और ये दिखाता रहूँगा। ये देखिए दोस्तों, रेड जून एप्पल। वाह, थैंक यू।